उसके बाद अपना होगा कोविड का टेस्ट और उसके बाद फिर अपना गेस्ट हाउस शिफ्ट करना है। तो मैं क्विकली आपसे बात करूंगा, अभी थोड़ा फ्रेश आप चेहरा पे देख रहे हो, थोड़ा थका थका सा लग रहा है। तो गुवाहाटी लैंड कर गया था मैं 1 बजे के आसपास और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कामाख्या स्टेशन। तो अभी जर्नी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे का जर्नी कंटिन्यू करना है इस ट्रेन से। देख सकते हो आप यहां लगा हुआ है कामाख्या MZF एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है और सेकंड एसी से जर्नी करने वाला हूं और सेकंड एसी की जर्नी भी फर्स्ट टाइम करूँगा। सो आप बोलोग फर्स्ट टाइम जी हाँ फर्स्ट टाइम सेकेंड एसी से। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जर्नी वही है पटना टू ईटानगर, बट ब्लॉग लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसका थर्ड पार्ट शूट कर रहा हूँ। और ये ब्लॉग होने वाला है कठाल पोखरी टू नाहरलगुन, और अभी गाड़ी आ रहा है और अभी यहाँ से जाएंगे तो बंदर दिवा गेट है, वहाँ पे हम लोग का सबसे पहले कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट होने के बाद ही हम लोग को एंट्री मिलेगा अंदर, और मेरे पास ILP वगैरह है तो वो सब भी देखेगा, तो वो सब दिखाना है। तो देखते हैं यहाँ से नाहरलगुन तक का ब्लॉग कैसा होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ कुछ सीन ऐसा है, आप देख लीजिए, ये छोटा सा स्टेशन है जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ और पूरा खाली है। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। तो अभी जहाँ खड़े हैं अपन कठाल पोखरी, तो यहाँ पे जगह बहुत ही सुंदर है। मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ आगे कैसा है क्या है, आप लोग देख लो। यहाँ बहुत शांति है और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पूरा स्टेशन पहाड़ पे है। मैं स्टेशन क्या बोल रहा हूँ, पूरा अरुणाचल ही पहाड़ पे है। और आप लोग पूछोगे कि यहाँ का आपको बेस्ट चीज़ क्या लगता है, तो यहाँ का क्या हर जगह का बेस्ट चीज़ मुझे हरियाली लगता है। मैं ईटानगर पहुंच गया हूं और हूं मैं अभी अपने होटल रूम में, और यहां पे एक दिन का स्टे है। इसके बाद अपना होगा कोविड का टेस्ट और उसके बाद फिर अपना गेस्ट हाउस शिफ्ट करना है। तो मैं क्विकली आपसे बात करूंगा, अभी थोड़ा फ्रेश आप चेहरा पे देख रहे हो, थोड़ा थका थका सा लग रहा है, थोड़ा टायर्ड लग रहा है। सो क्विकली मैं फ्रेश होकर आपसे फिर बात करता हूं। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको रूम टूर भी दे दूंगा। चाय आ चुका है अपना, तो पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद फ्रेश होंगे। तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ और क्विकली आपको रूम टूर दे देता हूँ और फटाफट करते हैं इस वीडियो को एंड। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने विंडो के पास से, तो मैं आपको बैक कैमरा से सारा कुछ दिखाता हूँ। तो ये हो गया रोड साइड व्यू विंडो। विंडो के जस्ट बगल में यहाँ पे है वुडन कवर्ड और उसके जस्ट ऊपर एक मिरर का फिनिशिंग दिया हुआ है। ये हो गया नॉर्मल सा बाथरूम, यहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह दिया हुआ है। हो गया चेयर एंड टेबल बैठे खाना खाने के लिए। ये रहा जहाँ मैं अपना सामान रखा हूँ। ये हो गया मेन डोर, इससे आप बाहर जा सकते हो। और यहाँ पे दिया है फोन, बाकी सब नॉर्मल है। तो ये मेरा पर्सनल है तो इसको यहाँ रखे हुए हैं। इधर हो गया आपका टीवी, मैं टीवी देखता नहीं हूँ तो बंद है अभी। और ये है बेड का व्यू, और वैसे तो दो बेड है बट ये सिंगल रूम के लिए है तो मैं सिंगल रूम लिया हूँ। ये हो गया अपना बेड, और इधर मैं अभी पानी वगैरह गर्म कर रहा था। सो गाइस, ये था रूम टूर और इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए इस ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत जरूरत है आप लोग का सपोर्ट का इस चैनल पे। और अगर नए हैं तो बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। और आप कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं इस ब्लॉग से रिलेटेड या एमी सीरीज से रिलेटेड कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। सो मुझे भी आ रहा है बहुत जोड़ों की नींद, मैं थक गया हूँ। सो इस ब्लॉग में टाइम लगने और एक्साइटिंग ब्लॉग में टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी एल्स, प्लीज स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, जय हिंद।